हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए आज के इस टॉपिक पर वीडियो शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक है नेट्रेम्योर। नेट्रेम्योर जो घर में इस्तेमाल होने वाले नमक से तैयार होता है। लंबे समय तक अत्यधिक मात्रा में नमक का सेवन करने से शरीर में गंभीर परिवर्तन आरंभ होने लगता है। इस तरह शरीर में नमक रुक जाने से रक्त में परिवर्तन होने लगता है, जिसके कारण अरक्तता, जिसको एनीमिया एवं श्वेत रक्त कणिका अधिकता जैसे बीमारियां शरीर में दिखाई देने लगती है। शरीर के रक्त में जब इस प्रकार की इम्बैलेंस बनी हुई रहती है, तब एक प्रकार की लक्षण क्रिएट होने लगता है, जिसे हम गठिया या तो फिर आम बात गठिया, जिसको हम रूमेटिक गाउट बोलते हैं। जैसे आप लोगों को पता है कि होम्योपैथ औषधि हमेशा स्वस्थ लोगों पर इस्तेमाल या प्रयोग करने के बाद ही जो जो सिम्टम प्रोड्यूस होता है उसी आधार पर औषधि को चयन किया जाता है, वैसे ही नेट्रेम्योर होम्योपैथ औषधि का भी शरीर के अलग अलग अंग पर अलग अलग सिम्टम प्रोड्यूस करता है। तो दोस्तों, हम आज इस वीडियो में नेट्रेम्योर मरीज का मन, उसका चेहरा, उसका ड्रीम, स्त्री और पुरुष लोगों का बीमारी इत्यादि के बारे में विस्तार से बताएंगे। मैं हमेशा कहता हूँ, कोई भी औषधि को समझने के लिए समय देना पड़ता है, इसीलिए दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए आज शुरू करते हैं। अगर हम नेट्रेम्योर मरीज की मानसिक अवस्था के बारे में बात करें, तो नेट्रेम्योर की पेशेंट को अगर हम कुछ सांत्वना देने जाएं, तो उसका बीमारी जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। वो और ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है या तो फिर रोने लगता है। ऐसे समय में मरीज का दिल का धड़कन और तेज हो जाता है और उसका पल्स रुक रुक कर चलने लगता है। ऐसा कंडीशन जो ज़्यादा टाइम तक फियर या तो फिर एंजाइटी या फिर क्रोध इत्यादि में सफ़र करने वालों को साथ होता है। पल्सेटिला मरीज को अगर सांत्वना दिया जाए तो वो शांत हो जाता है, लेकिन नेट्रेम्योर मरीज को सांत्वना देने से वो और भी ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है, उसका रोग जो है, उसका बीमारी जो है बढ़ जाता है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि पल्सेटिला मरीज शांत स्वभाव का होता है और नेट्रेम्योर का मरीज हमेशा चिड़चिड़ा रहता है। नेट्रेम्योर हमेशा अकेले रहकर रोना पसंद करता है और रोने के साथ साथ कभी कभी नेट्रेम्योर हंसता भी रहता है। यह सब नेट्रेम्योर का मानसिक लक्षण है। दोस्तों, अभी हम नेट्रेम्योर का पेशेंट का जुबान के बारे में आलोचना करेंगे। नेट्रेम्योर का पेशेंट के जीभ के ऊपर झागदार परख के साथ साथ किनारे छोटे छोटे बुलबुले रहते हैं। हमेशा जुबान पर सूखेपन की अनुभूति रहती है और जीभ, होठ तथा नाक हमेशा सुन्नपन रहती है। हमेशा गुदगुदी महसूस होता है। जीभ के ऊपर छाले और जलन लगता है, जैसे जीभ के ऊपर कोई बाल चिपका हुआ है। नेट्रेम्योर का पेशेंट को ज़्यादा प्यास लगा हुआ रहता है। जुबान पर बाल रहना रेडलैंड सिम्टम बोल सकते हैं। मुख के चारों ओर उद्भेद और होठों पर मोती जैसे छाले रहते हैं। होठ तथा मुख के कोण शुष्क रहते हैं, व्रणग्रस्त रहते हैं और फटे हुए रहते हैं। निचले होठ के बीच वाले हिस्से में गहराई तक फटा हुआ रहता है। जीभ हमेशा नोकदार रहता है। इसके साथ साथ नेट्रेम्योर को कभी कभी स्वाद लोप हो जाता है, उसको कोई भी टेस्ट समझ में नहीं आता है और नेट्रेम्योर के पेशेंट को हद से ज़्यादा अस्वाभाविक प्यास रहता है। यह भी नेट्रेम्योर का चेहरे के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चेहरा नेट्रेम्योर का हमेशा ऑयली रहता है, हमेशा चमकदार रहता है।
निद्रा अवस्था में स्वप्न दोष, स्त्री सहवास के बाद भी कभी कभी स्वप्न दोष होना, सहवास के समय में लिंग में कड़ापन ना आना, स्वप्न दोष के कारण कमर में दर्द इत्यादि, और कभी कभी संभोग किए जाने के बाद भी वीर्यपात जारी रहता है। नपुंसकता के साथ विलंबित वीर्यपात, यह सब बीमारी में नेट्रमोर बहुत अच्छा फायदा करता है। स्त्री रोग की बीमारियां में नेट्रमोर बहुत कुछ सीपिया और पल्सेटिला के समान है। कुछ दवाओं में रोग के लक्षण के साथ औषधि का लक्षण सदृश रहने पर भी महात्मा हिनीमैन सर ने रोगी के मानसिक लक्षण और उसका धातु पर सबसे पहले ध्यान देने का उपदेश देते हैं। नेट्रमोर रोगी हर वक्त उदास, दुखित और जरा सी बात में खिजुरा जाता है, चिड़चिड़ा जाता है, समझाने पर भी शांत नहीं होता। जिन स्त्रियों के लिए नेट्रम उपयोगी है वह प्रायतः जीर्ण, शुष्क और कमजोर और रक्तहीन होते हैं। उनके कलेजा हमेशा धड़कता रहता है और साथ ही जरायु में भी कोई न कोई बीमारी रहती है। बाधक पीड़ा ऋतुस्राव बहुत थोड़ी परिमाण में होता है। इसके अलावा जरायु बाहर निकल जाना और जरायु में दर्द, कमर दर्द, हरे रंग का खाल गलाने वाला प्रदर्द जिसको लिकोरिया बोला जाता है, योनि में टनक जैसा दर्द, पेशाब में जलन और पेशाब के बाद टनक, जबरदस्त सिरदर्द, योनि में खुजली, पानी लगने पर खुजली का बढ़ जाना, पति के साथ सहवास करते समय कष्ट इत्यादि लक्षण मौजूद हैं। पल्सेटिला रोगी का स्वभाव बहुत शांत होता है, इसमें रोगिणी हर वक्त बहुत उदास रहता है। इसलिए पल्सेटिला और नेट्रमोर को देते वक्त हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि पल्सेटिला का जो चरित्रगत लक्षण है शांत रहना वो होना चाहिए, और नेट्रमोर का चरित्रगत लक्षण जो चिड़चिड़ा स्वभाव है इस स्वभाव को गौर करना चाहिए। पति के साथ सहवास करते वक्त कष्ट होना, इस रोग में नेट्रमोर के सिवा क्रियोजुट, सेपिया, बेलाडोना, फेरम्फॉस और एपिसमेल भी उपयोगी हैं। डिम कोश में डंक मारने जैसा दर्द के साथ पति सहवास में कष्ट फेरम और एपिसमेल में है। पति सहवास करते समय रक्त स्राव और तकलीफ मालूम हो तो उसके लिए किरेजुट निर्दिष्ट है। सेपिया और बेलाडोना में योनि मार्ग सूखा रहता है जिससे कि पति के साथ सहवास करते वक्त कष्ट होता है। ये सब इंटरकोर्स करते वक्त जो प्रॉब्लम आती है उसका दवाइयाँ हो गया। अब नेट्रमोर का जो ऋतुस्राव होता है वो बहुत थोड़े परिमाण में और देर से होता है। कभी कभी ऋतुस्राव एकदम बंद रहता है और कभी कभी बहुत थोड़ा सा परिमाण में होता है, परंतु दो एक दिन बाद बहुत ही ज़्यादा परिमाण में हुआ करता है और बहुत दिनों तक रहता है। इसके साथ साथ सिर में दर्द होना, यह सब नेट्रमोर स्त्रियों का मेंस्ट्रुएशन है। इसके साथ साथ सिरदर्द रहना, अतिसार रहना नेट्रमोर का मासिक लक्षण है। नेट्रमोर की पेशेंट हमेशा तीखा, नमकीन, खारा चीज़, खारा मतलब नमकीन चीज़ खाना पसंद करता है, वह रोटी खाना पसंद नहीं करता है। इसके सिवाय नेट्रमोर का पेशेंट का जुबान पर हमेशा बाल लगे रहने का महसूस होता है। यह सब चीज़ आपको ध्यान देना चाहिए। इसके सिवाय उसके होंठ के बीचों बीच वाले हिस्सा फटा हुआ रहता है। वीडियो के अंत में मैंने नेट्रमोर का वृद्धि होने का समय, ह्रास होने का समय, नेट्रमोर के साथ साथ कौन सी दवाइयों का संबंध है, नेट्रमोर का इस्तेमाल करते वक्त कौन सी औषधि का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, नेट्रमोर कितना समय तक शरीर में कार्य करता है और यह कितने कितने पोटेंसी में इस्तेमाल होना चाहिए, इन सब का डिस्क्रिप्शन में और मैंने वीडियो पर डाल रखा है। कृपया आप लोगों को यही अनुरोध है कि आप मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई सजेशन है तो प्लीज़ मेरे इस कमेंट वाले सेक्शन में कमेंट करें। थैंक यू। जय हिंद। Thank you.